हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रोटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है ना। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज टू बी पुल्ड ओवर स्टेप ऑफ हाइट स्मॉल a विच इज लेस देन रेडियस by applying a force F at its center O perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the step। देख सकते हैं यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया है ना। यहाँ पर एक डायग्राम है तो देखेंगे ये एक स्टेप है जिसका हाइट दिया गया है a और यहाँ पर एक फोर्स लगाया जा रहा है इस तरह से, ये F है ना। तो इसका रेडियस r दिया गया है, जो सेंटर है, जो एक्सिस है वो है पॉइंट O के पास, है ना। तो बताना है कि इस f का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ f रिक्वायर्ड। ठीक, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो टॉर्क है वो इस f का टॉर्क जो है mg के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। नीचे डायग्राम जो है यही वाला डायग्राम मैंने नीचे पेस्ट किया हुआ है, तो इसमें हम लोग फ्री वर्ड डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, देखें यहाँ पर बिल्कुल वही डायग्राम है। तो इस डायग्राम में अगर फ्री वर्ड डायग्राम बनाएंगे तो नीचे जो है वो इस तरह से इसका वेट आएगा एम जी, ये फोर्स एफ लग रहा है ना। अगर मैं ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ पर, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये रेडियस है आर, और सपोज ये जो एंगल है ये थीटा ले लेते हैं। ठीक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एम जी के लाइन ऑफ एक्शन का, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ध्यान रखना है ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ पर कहीं हो सकता है फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन लगेगा तभी इसको ऊपर की तरफ टॉपल कराया जा सकता है ना। तो अगर मैं टॉर्क निकालूंगा इस एफ का, तो ये इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन एम जी जो है वो उसको नीचे लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एफ का टॉर्क इस एम जी के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। तो मैं ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ, है ना। तो वो जो टॉर्क है वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, टॉर्क ऑफ एफ, F इंटू इसके अबाउट डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा सीधा R, है ना। ये जो टॉर्क है ये बड़ा होना चाहिए किससे, एम जी का टॉर्क से। एम जी का टॉर्क कितना आएगा, एम जी इंटू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, है ना। जो एम जी का लाइन ऑफ एक्शन है उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आर कॉस थीटा। मैं यहां पर बराबर नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल नहीं लिख रहा हूँ। इक्वल रखने में क्या होगा, जस्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ एफ इंटू आर इज ग्रेटर देन एम जी इंटू आर कॉस थीटा। तो अगर आर और आर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ शुड बी ग्रेटर देन एम जी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एफ ग्रेटर देन एम जी इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, उस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। ये देखेंगे ये आर है, ये हाइट देखेंगे ये दिया हुआ था, और ये टोटल दिया था आर रेडियस के इक्वल। तो ये जो डिफरेंस है ये हो जाएगा आर माइनस ए, ये हो जाएगा आर माइनस ए, है ना। ये हाइट a है जबकि उसका जो सेंटर है वो ये r हाइट पर है ग्राउंड से, है ना। सिलेंडर का जो सेंटर है वो r हाइट पर है जबकि स्टेप का हाइट है a, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया r माइनस a, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये जो बेस है ये हो जाएगा कितना, r स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर का रूट, है ना, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये थीटा है तो इसमें कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस।
तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू ही हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना था, है ना। यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, तो हम लोग रखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, अब इसको चाहें तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एफ ग्रेटर देन एम जी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जो आर है इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया एफ ग्रेटर देन एम जी अंडर रूट वन माइनस आर माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो अब चूंकि एफ जो है, ये कहा गया कि एफ जो है इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, यानी एफ का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू रखना हो तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वलिटी साइन लगा देंगे, एम जी अंडर रूट वन माइनस आर माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम फोर्स होगा जिससे कि उस सिलेंडर को स्टेप के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। ऑप्शंस चेक करते हैं पहले, तो ये देखेंगे फोर्थ ऑप्शन जो है अपना करेक्ट ऑप्शन आया है यहाँ पर, है ना, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो करेक्ट जो आंसर हो गया ये हो गया फोर्थ।